हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग करेंगे बच्चों हाइड्रोस्टैटिक्स का न्यूमेरिकल। हाइड्रोस्टैटिक्स का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया है, जाकर के आप लोग जरूर देखिए। हम लोग करने वाले हैं हाइड्रोस्टैटिक्स से न्यूमेरिकल। ये जो वीडियो होगा हिंदी मीडियम के लिए भी होगा, मैं लिखा हूँ इंग्लिश में, समझाऊंगा पूरा हिंदी में, यानी हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चे इसे देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होने वाले, 3-4 न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा पूरा इस वीडियो में, ठीक है। बेसिक कराऊंगा, फिर अगले वीडियो में इससे हायर भी कराऊंगा। और एक मुहिम हमने स्टार्ट की है कि कल से आप लोगों को पर डे 8 या 9 बजे सुबह, ठीक है, हर चैप्टर से आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के लिए, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप लोग, यानी कल से आप लोग रेडी हो जाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। केमिस्ट्री के एक एक चैप्टर से, फिजिक्स के एक एक चैप्टर से, मैं हर चैप्टर से 10-15 क्वेश्चन कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल मिस मत करिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, सारे अपडेट्स आपको एग्जाम के मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg एंड डेंसिटी, इतना हिंदी में समझाऊंगा, टेंशन मत, डेंसिटी 6000 kg/m³ इज कम्प्लीटली डिप्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 500 kg/m³, फाइंड फोर्स ऑफ बायोन्सी ऑन इट। यानी कि जो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उससे हमारा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि वो एक बॉडी है जिसका द्रव्यमान यानी मास कितना है 5 kg, और घनत्व कितना है यानी डेंसिटी कितना है 6000 kg/m³, ठीक है। जब उसको क्या करते हैं, किसी लिक्विड में पूरा डुबोते हैं, इमर्ज करते हैं, डिप करते हैं, उस लिक्विड का डेंसिटी कितना है 500 kg/m³। तब पूछ रहा है कि उस बॉडी पे कितना अपथ्रस्ट यानी कितना जो उत्प्लावन बल लगेगा, कितना लगेगा, वही हमें बताना है। यानी कि फाइंड द फोर्स ऑफ बायवेंट ऑन इट। आपको पता है कोई बॉडी अगर लिक्विड में इमर्ज करते हैं क्या करता है, ऊपर की तरफ वो आता है, यानी कि नीचे से भी एक फोर्स लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं अपथ्रस्ट बोलते हैं, फिर बायवेंसी फोर्स उत्प्लावन बल बोलते हैं। तो कितना लगेगा ऑब्जेक्ट पे हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन समझ गए आप, तो अब सीधे सॉल्यूशन करते हैं। देखो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। मास ऑफ बॉडी कितना दिया हुआ है 5 kg, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड यानी कि जो हमारा बॉडी है उसकी डेंसिटी कितनी दी हुई है 6000 kg/m³, ठीक है। अब क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, जब लिक्विड में डिप करते हैं, डुबोते हैं, जी उस लिक्विड की घनत्व कितनी है, डेंसिटी कितनी है, यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू कितना दिया हुआ है 500 kg/m³। ये हमारा लिक्विड का डेंसिटी दिया हुआ है, तो हमें बताना है कितना फोर्स इस पर लगेगा। तो आपको पता है कि बायवेंट फोर्स कितना होता है बच्चों, डब्ल्यू से भी नोट करते हैं एफ वी, यानी बायवेंट फोर्स कितना, फॉर्मूला क्या होता है, वी रो जी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, रो एंड लिक्विड का डेंसिटी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी बायवेंट फोर्स का ये फॉर्मूला होता है। सीधे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग। अब डेंसिटी, अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। तो कैसे निकाल लेंगे वॉल्यूम, देख लो, हमको पता है कि डेंसिटी सॉलिड का क्या दिया, डेंसिटी क्या हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे, मास कितना दिया हुआ है 5 kg, यानी 5 अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना दिया हुआ था 6000, कितना 6000 ये मीटर क्यूब मिलेंगे, कितना वॉल्यूम 5 अपॉन 6000 मीटर क्यूब, वॉल्यूम भी हमें मिल गया। अब रो हमें लिक्विड का पता ही है, जी हमें पता है, 10 रख देंगे कैलकुलेशन इजी करने के लिए, सीधे हम वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, एफ वी यानी बायवेंट फोर्स एंड उत्प्लावन बल कितना हो जाएगा, वी कितना निकाल लिया हम लोगों ने 5 अपॉन 6000, ठीक है। रो लिक्विड का कितना दिया हुआ है 500 kg/m³, हमने यहाँ का रख देना है 500 × 10, जी की वैल्यू 10, ठीक है, समझ में आ रहा है। सीधे 3 से 3 0 कटा, ठीक है, 3 से 3 0 कटा हमारा। अब क्या हो जाएगा, अब 5 × 5 = 25 कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25/6 N, यही हमारा क्या हो जाएगा अपथ्रस्ट फोर्स, यानी इतना न्यूटन का फोर्स अपथ्रस्ट ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था आपका, समझ में आया। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन भी आपके आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। मैं हिंदी में बताऊंगा, टेंशन मत लेना, फ्रस्ट्रेशन में बताना, फ्रस्ट्रेट मत होना, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा।
और इसके बाद मैं प्रेशर से रिलेटेड भी क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अ सॉलिड ऑफ डेंसिटी इतना मीटर वे 5 न्यूटन इन एयर, यानी एक सॉलिड है, ठीक है, जिसका घनत्व 5000 kg पर मीटर क्यूब है और जिसका वेट कितना एयर में 5 न्यूटन है, ठीक है। इट इज़ कम्प्लीटली इमर्ज इन वाटर, ठीक है, जिसकी डेंसिटी इतना है, यानी जब इसको क्या करते हैं, कम्प्लीटली पानी में डूबोते हैं, ठीक है, और पानी का डेंसिटी कितना है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो हमें बताना कैलकुलेट द अपरेंट वेट, आभासी भार कितना होगा। आपको मैंने पढ़ाया था कॉन्सेप्ट में, आप लोगों को पता होगा अपरेंट वेट क्या हो जाएगा, एक्चुअल वेट। अपरेंट वेट का मतलब क्या, एक्चुअल वेट माइनस अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट या फिर बायवेंट फोर्स भी कह सकते हैं, उत्प्लावन बल भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, अपरेंट अपरेंट वेट हमारा ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल वेट माइनस अप थ्रस्ट, या फिर ऐसे करके। अब सीधे हम लोग क्या करेंगे, सीधे हम लोग निकाल लेते हैं, एक्चुअल वेट हमें पता है कितना है, 5 न्यूटन दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम, अप थ्रस्ट निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, इसको समझो, क्या क्या दिया हुआ पहले उसको लिख लो। डेंसिटी ऑफ सॉलिड दिया हुआ है कितना, साथ में लिखते चलना क्योंकि बोर्ड छोटा है, मिटाना पड़ेगा हमें। कितना डेंसिटी ऑफ सॉलिड, 5000 kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। वेट कितना दिया हुआ है, 5 न्यूटन इन एयर, एयर भी यहाँ डाल लेना भाई, एयर में इसका वेट कितना है, 5 न्यूटन का, ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एल कितना दिया हुआ है, आपको पता है कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। हम क्या कर लेंगे, बायवेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल एफ वी, डब्ल्यू कैल एफ वी कैल बायवेंट फोर्स कितना होता है, वी रो जी, ठीक है। तो वी कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, यही तो हमें समझना है, ऐसे ही क्वेश्चन देकर के फंसा लेता है। तो आपको पता है कि डब्ल्यू इजकल टू क्या होता है, एम जी, बहुत अच्छे से समझा, डब्ल्यू इजकल टू क्या होता है, एम जी, ठीक है। तो डब्ल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है एयर में, एम निकालना हमें, तो एम निकाल लेंगे, जी की वैल्यू 10, ठीक है। तो एम इजकल टू क्या निकाल लेंगे बताओ, 5/10 यानी कि 0.05 हो जाएगा ना, 10 × 50 यानी 0.5 kg हो जाएगा। मास कितना निकाल लिया हमने, 0.5 kg। अब सीधे हम क्या करेंगे, अब वॉल्यूम कैसे निकलेगा, आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालेंगे क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, तो क्या हो जाएगा, फिर चलो यहाँ आते हैं, फिर सीधे यहाँ से यहाँ आते हैं, क्या हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, मास कितना है, 0.5 अपॉन डेंसिटी कितना है सॉलिड का, 5000, ये हमारा वॉल्यूम निकल गया। लिक्विड का डेंसिटी पता है और जी आपको पता है, इसलिए क्या करेंगे, वैल्यू रख के पुट करके हम लोग निकाल लेंगे। यानी अभी हम सिर्फ अपथ्रस्ट निकाले, यहाँ तक आप लोग लिख लो पूरा अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। यानी कि वी भी हमारा कितना आ गया, 0.5 अपॉन 5000, ठीक। अब देखो हम क्या करेंगे, अब देखो आपको पता है W इजकल टू या फिर एफ बी इजकल टू क्या होता है, V रो जी, V कितना निकाला हमने, 0.5 अपॉन 5000। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना दिया हुआ, 1000 दिया हुआ है, जी की वैल्यू 10, इसको कैलकुलेट कर लो, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये 3 से 3 कटा दो, ठीक है, ये 5 × 2 = 10, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये सीधे हम ये कर लें, 2 × 5 = 10 यानी कि 1 न्यूटन। अब थ्रस्ट कितना निकल गया, बायवेंट फोर्स कितना निकल गया, 1 न्यूटन निकल गया, और एयर में वेट कितना दिया होता, फोर्स कितना दिया होता, 5 न्यूटन का। तो अपरेंट वेट कैसे निकाल लेंगे, वेट इन एयर यानी 5 माइनस वेट इन लिक्विड या फिर अब थ्रस्ट कह सकते हैं, यानी 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, अपरेंट वेट कितना आ गया हमारा, 4 न्यूटन आ गया, क्लियर हुआ। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था आपको, क्लियर हुआ। अच्छा मान लो इसी में कह दे कि लिक्विड की डेंसिटी, ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी अगर 10000 है, 10000 है, तो क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे 1000 की जगह पे 10000 रख देंगे तो भी हम वैल्यू निकाल लेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है
कि हिंदी में समझाऊंगा, टेंशन मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। देखो, अ बुक ऑफ 1.2 kg एंड अ कॉपी ऑफ 1.5 kg एग्जैक्ट सेम प्रेशर ऑन टेबल, इफ एरिया ऑफ बुक की जितना तो देन वाट इज द एरिया ऑफ कॉपी। प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो कह रहा है, एक किताब है जिसका जिसका भार कितना है भाई, वेट कितना है, ए बुक ऑफ इतना इतना यानी 1.2 kg है, ठीक है, एंड कॉपी का वेट कितना है, 1.5 kg है, ठीक है। अब क्या है, दोनों सेम प्रेशर लगा रहे हैं टेबल पे, टेबल पर रखा हुआ है, दोनों सेम प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है। इफ एरिया ऑफ बुक की जितना, अगर बुक का एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो कॉपी का एरिया क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, हम ठीक लोग है, सिंपली तो इसको इसको कैसे कैसे सॉल्व सॉल्व करेंगे। करेंगे। चलो चलो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, बहुत बहुत आसान आसान क्वेश्चन क्वेश्चन है, है, कोई कोई दिक्कत दिक्कत नहीं नहीं आएगी आएगी इसमें इसमें आप आप लोगों लोगों को। को। आपको आपको पता पता है है प्रेशर प्रेशर इज इज इक्वल इक्वल टू टू क्या क्या होता होता है, है, फोर्स फोर्स अपॉन अपॉन एरिया। एरिया। अब अब यहाँ यहाँ पे पे दोनों दोनों पे पे सेम सेम प्रेशर प्रेशर लग लग रहा रहा है, है, यानी यानी कि कि F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, ठीक है। एफ इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू एम जी। एम कितना, पहले का एम जी, एम कितना दिया हुआ है बुक का, 1.2, यानी 1.2 × g g ही रहने दो, ठीक है। अपॉन पहले का एरिया कितना दिया हुआ है बुक का, 80 सेंटीमीटर, यानी 80 इक्वल टू दूसरे का यानी कॉपी का F2, यानी M2 कितना दिया हुआ है, 1.5 × g को g रहने दो, अपॉन एरिया कॉपी का पूछ रहा है उसको x मान लो। एरिया कॉपी का पूछ रहा है उसको क्या मान लो बच्चों, x मान लो। अब देखो जी से जी ये कट जाएगा, जी से जी क्या होगा भाई, कट जाएगा। अब सीधे कर लो क्या हो जाएगा, मैनेज कर लो इक्वेशन को, 1.2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 × 1.5। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 80 × 1.5 अपॉन 1.2, यही होगा ना, 80 × 1.5 अपॉन 1.2। अब सीधे कर लो कितना हो जाएगा, 15 8 25 40 15 8 कितना हो जाता है, 120 होता है। तो लिख दो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 × 1.5 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा अपॉन 1.2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यानी कि 100 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी बुक कॉपी का एरिया कितना निकल गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले वीडियो हम लोग और चीज़ अच्छा करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच। अगर पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन दबाएगा, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सब कुछ।